हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक मिड कैप स्टॉक के बारे में, और अगर आप टायर इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये स्टॉक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं और अच्छा रिटर्न गेन करने का सोच रहे हैं, MRF जैसे बड़े स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते क्योंकि उसका जो एक शेयर का प्राइस है बहुत ही ज़्यादा है, तो उसका अल्टरनेट ये शेयर है। ये शेयर में भी इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा खासा रिटर्न गेन कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। और आपको कंपनी का नाम पता चल चुका होगा क्योंकि हम सबसे पहले इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, कंपनी के बिजनेस को डिस्कस करेंगे। क्या क्या इक्विपमेंट में इसके टायर्स यूज होते हैं वो सारी चीजें हम पहले डिटेल से देखेंगे। उसके बाद इसी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, रिटर्न एनालिसिस करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो पूरा डिटेल से एक पूरा कंप्लीट वीडियो होने वाला है अगर आप BKT टायर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। और BKT का अगर आपको पता हो तो इसका फुल फॉर्म है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, टायर इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और मिड कैप की कंपनी है। तो सबसे पहले BKT के बारे में जानते हैं हम। तो BKT करती क्या है, तो BKT टायर्स आर एंटायरली मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एट अवर थ्री मेन प्रोडक्शन साइट्स इन औरंगाबाद, वेस्टर्न इंडिया एंड भिवाड़ी। इसके अलावा भी देखेंगे तो आप इनके और भी प्लांट है, औरंगाबाद वेस्टर्न इंडिया में है, भिवाड़ी नॉर्थ इंडिया में है, डोंबिवली नॉर्थ ऑफ मुंबई में है, उसके अलावा आप देखेंगे तो चौपंकी नियर दिल्ली, नदन राजस्थान में, भुज वेस्टर्न इंडिया में। तो ऑल ओवर देखें तो टायर का बिजनेस है। सबसे पहले कंपनी का जो प्लांट स्टार्ट हुआ था वो अगर देखेंगे तो BKT टायर्स फर्स्ट प्रोडक्शन प्लांट ओपन इन 1988 में हुआ था। तो आप देख सकते हैं कंपनी पुरानी है, अच्छा बिजनेस है, और ये कंपनी मेनली एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और OTR से रिलेटेड इक्विपमेंट में टायर्स बनाती है। और किन किन इक्विपमेंट में काम आते हैं इनके टायर्स वो मैं आपको बता देता हूं। तो अगर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की हम बात करें तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में आप देखें ट्रैक्टर्स में है, ATV में है, उसके अलावा लोडर में काम आते हैं इनके टायर्स, कॉम्पैक्ट लोडर हो गया, यूटिलिटी ट्रैक्टर हो गया, कॉटन पीकर हो गया, फॉरेस्ट्री हार्वेस्टर हो गया, फोरवार्डर हो गया, गो कार्ट हो गया। तो इस तरीके के ये जो मशीनरीज हैं इनमें इनके टायर्स काम आते हैं। और इनके टायर्स जो काम आते हैं और ये मशीन्स की एप्लीकेशंस क्या क्या है, तो आप देखें कॉटन हार्वेस्टिंग में काम आती है, डिगिंग में काम आती है, लोडिंग में काम आती है, फॉरेस्ट्री में काम आती है। तो ऑल ओवर देखें तो कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। अगर इंडस्ट्रियल्स मशीनरी देखें जिनमें इनके टायर्स यूज होते हैं तो वो देखेंगे आप, तो देखिए लोडर हो गया, डंपर हो गया, उसके अलावा कंटेनर हैंडलर हो गया, एम्प्टी कंटेनर हैंडलर हो गया, उसके अलावा आपको एक्सकेवेटर दिख रहा होगा, यहाँ पर क्रेन्स है, JCB है, ग्रेडर है। इस तरीके की जो मशीनरीज हैं इनमें इनके टायर्स यूज होते हैं। और एप्लीकेशन आपको पता ही है, कंस्ट्रक्शन में काम आता है ये जो मशीनरीज हैं वो, उसके अलावा डिगिंग एंड लोडिंग में, इंडस्ट्रियल में, हॉलेज में, इंडस्ट्रियल हैंडलिंग में, इंटरनेशनल आप देखेंगे सॉरी लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में जो मशीनरीज यूज होती है उनमें टायर्स बनाने का काम है इनका। उसके अलावा भी देखेंगे रोड एंड विंटर, आप देखें इस तरीके की जो मशीनरीज है इनकी, जो ये टायर्स बन रहे हैं ना, ये BKT टायर्स बनाती है। उसके अलावा भी अगर मैं OTR की बात करूं तो आप माइनिंग से रिलेटेड जितने भी हैं, आप देखें ग्रेडर, डोजर, उसके अलावा देखें LPDT ट्रक्स जो होती है माइनिंग में काम आती है, उनमें इनके टायर्स यूज होते हैं। तो ऑल ओवर देखें तो कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल बिजनेस है और इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब हमें कंपनी का बिजनेस पता चल गया और हम ये सोच रहे हैं कि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया कि कंपनी का बिजनेस हमें पता है। अब इसके फंडामेंटल्स देखने जरूरी है कि इसकी प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, कर्जा इसके ऊपर ज्यादा तो नहीं है, वो सारी चीजें हमें देखनी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे बालकृष्णा इंडस्ट्रीज का। यहाँ पर ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे रखा है कि क्या करती है, वो मैंने बिजनेस आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। और अगर आपकी पोर्टफोलियो से रिलेटेड और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो स्टॉक से रिलेटेड तो आप stockmoneyinfo@gmail.com पर हमें मेल कर सकते हैं। सीरियस बायर्स और जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो बेझिझक आप मेल कीजिएगा, मैं आपको 24 घंटे के अंदर रेस्पॉन्स दे दूंगा।
अब इसका सबसे पहले देखते हैं फंडामेंटल्स पैरामीटर देखते हैं बालकृष्णा इंडस्ट्रीज का। तो मार्केट कैप देखिए 15,915 करोड़ का, यानी कि मिड कैप की कंपनी है। अब मार्केट कैप जैसे ही देखा आपको रिजर्व्स पता होना चाहिए कितना पड़ा है। तो कंपनी के पास कैश अमाउंट पड़ा हुआ है 4,956 करोड़। यहां से हमें क्या पता चला, कंपनी के पास बैकअप मनी पड़ा हुआ है। करंट प्राइस क्या चल रहा है अभी, 823 पर चल रहा है। 52 वीक हाई अगर देखें तो 1,298 का है और 52 वीक लो का अगर देखें तो 682 का है। मिड कैप की कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको डिविडेंड भी अच्छा मिलना चाहिए, तो डिविडेंड भी कंपनी अच्छा दे रही है। लास्ट 3 साल का अगर सेल्स ग्रोथ देखूं इस कंपनी का तो 17.20% का, ये भी अच्छा है। उसके बाद अगर बात करें प्रमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर का है, ये भी कंपनी के लिए अच्छा है। और एक भी शेयर गिरवी नहीं है, यानी कि ये कंपनी अभी तक अच्छी लग रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए, उस कंडीशन को भी फुलफिल कर रही है कंपनी। और टोटल डेब्ट 718 करोड़ का है, तो रिजर्व्स पड़ा हुआ है अच्छा। और करंट रेशियो 1 से ऊपर का, यानी कि इनके टायर की सेलिंग भी अच्छी होती है। तो ओवरऑल देखें यहां से फंडामेंटल पैरामीटर अच्छा नजर आ रहा है। अब मैं आपको इसका क्वार्टरली रिजल्ट दिखाता हूँ, क्वार्टरली रिजल्ट किस तरीके का रहा है वो भी हम देखेंगे। तो पिछले क्वार्टर के कंपेयर में देखें तो सेल्स इसका बड़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है, लेकिन नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 294 करोड़ से 224 करोड़। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में थोड़ा बहुत करेक्शन आना था, लेकिन मार्केट करेक्शन के कारण ज्यादा गिरावट आ गई। और जो 1298 पर सेल किया होगा तो प्रॉफिट बुकिंग भी हुई होगी, क्योंकि इस स्टॉक में देखें पिछले 5-6 महीनों में अच्छा मूवमेंट आया था, फिर अभी देखें तो 1-2 महीनों में गिरावट आई है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी अच्छी खासी हुई होगी, दैट्स व्हाई इसमें गिरावट आई है। उसके बाद अगर बात करें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयर वाइज की, तो ईयर वाइज कोई भी दिक्कत नहीं है। लास्ट 12 महीनों में 881 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, अर्निंग पर शेयर बढ़ा है, डिविडेंड कंपनी अच्छा दे रही है। और इसका लास्ट 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड मैं आपको बताऊं तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 14.33% का है, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 26.10% का है, CAGR 29.40% का, और ROE 21.35% का है। सारे पैरामीटर्स 10% से ऊपर हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। फंडामेंटल एनालिसिस करके भी ये हमने देख लिया, बैलेंस शीट में रिजर्व्स देखना चाहिए हमको, रिजर्व्स अच्छा है। टोटल असेट्स भी अगर कंपनी का देखें तो 546 का है, और कंपनी के बुक वैल्यू की भी बात करो तो 258 रुपीज का है, तो अच्छा खासा बुक वैल्यू भी है कंपनी का। तो ओवरऑल देखते हैं तो कंपनी का फंडामेंटल भी अच्छा नजर आ रहा है। अब कंपनी का फंडामेंटल तो अच्छा है, लेकिन पास्ट में अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है या नहीं दिया है, और आगे किस तरीके से रिटर्न बनाकर दे सकती है वो भी देखना हमें बहुत जरूरी है। तो अब रिटर्न एनालिसिस करते हैं कंपनी का। तो 1 साल में देखेंगे तो अच्छी खासी गिरावट है, आप देखें 1 साल में, 1 साल पहले जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा 9.5% पोर्टफोलियो उसका डाउन होगा, इस स्टॉक की पर्टिकुलर स्टॉक की बात कर रहा हूं। और फ्राइडे को सभी कंपनी में अच्छा मूवमेंट आया, तो इस कंपनी में भी देखें तो 67 रुपीज बढ़ा है, 3 साल में 15% का है, 5 साल में 166% का है, 10 साल में 1221% का है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है। और इंडस्ट्री पीई से देखूं तो इसका पीई 16.66 है, तो ये कंपनी अभी भी आपको सस्ते प्राइस पर मिल रही है। और टायर इंडस्ट्री में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बालकृष्णा इंडस्ट्रीज आपके लिए बेस्ट कंपनी है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, डिविडेंड यील्ड अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है। और यहां पर अगर 19 फरवरी की बात करें, आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने 1275 का टारगेट भी दिया, जो कि इस स्टॉक ने अगर देखें तो 1298 का हाई भी लगाया, लेकिन वहां से प्रॉफिट बुकिंग भी हुई और मार्केट करेक्ट हुआ, तो ये स्टॉक ज्यादा करेक्ट हो गया। अब यहां से अगर देखें तो रिटर्न एनालिसिस भी अच्छा लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि 5 साल से ऊपर का नजरिया है, या फिर 3 साल से ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बालकृष्णा इंडस्ट्रीज में कर सकते हैं। अब देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करेंगे, आप देखें FIs ने होल्डिंग बढ़ा दी है, म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग्स बढ़ा दी है, अदर DIs ने होल्डिंग बढ़ा दी है, तो ऑल ओवर देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इस कंपनी का अच्छा लग रहा है। और 28 म्यूचुअल फंड का पैसा लगा हुआ है, 160 FIs का पैसा लगा हुआ है। तो यहां तक हमने देखा रिटर्न में ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं, लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है हमें इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना है, तो उसका हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे मंथली चार्ट पर। 823 का भी क्लोजिंग है, मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो मैंने आपको पहले ही बताया था इस कंपनी में, यहां से देखेंगे अगर 2019 के मिड से मूवमेंट आना बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ,
और ये कंपनी लगभग आप देखें तो 1297 1300 के आसपास भी गई है, और उसके बाद इस महीने में करेक्शन आया है, बहुत बड़ा करेक्शन आया है। और अगर इसमें आप एक चीज नोटिस करें, मैंने मंथली चार्ट पर स्टॉक को लगा कर रखा है, आप 2011-12 से देखिएगा ये ग्रीन कलर की लाइन को, ये है 50 का सिंपल मूविंग एवरेज। इस लाइन के आसपास स्टॉक बहुत ही मुश्किल से आता है, और स्टॉक अगर आता है तो वहां से बाउंस बैक करता है। और अभी ये जो ग्रीन कलर की लाइन का जो 50 का सिंपल मूविंग एवरेज है, उसकी जो वैल्यू अगर मैं बताऊं तो वो वैल्यू है 815 रुपए की, और अभी ट्रेड कहां कर रहा है 823 पर। तो आपको जो फर्स्ट अमाउंट है अपना, वो अभी इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। और किस तरीके से करना है, इस स्टॉक में एटलीस्ट 5-5 शेयर करके एसआईपी कीजिएगा, एटलीस्ट 5-5। अब सपोज आपने यहां पर इन्वेस्टमेंट कर दिया 5 शेयर का, तो उसके बाद यू नहीं कि आपको वेट करना है हर महीने में, अगर आपको 5 शेयर बाय करने हैं तो ऐसा नहीं कि 823 से अगले महीने का वेट कीजिएगा। अदरवाइज इस स्टॉक में और करेक्शन आ जाता है तो मैं आपको बताता हूं, एक जो है अगर हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करें, यहां पर अगर हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो आप देखेंगे ये जो लेवल जो आ रहा है वो आ रहा है 686 का, यानी कि अगर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में बड़ा करेक्शन आता है तो 700 रुपए के लेवल तक भी आ सकता है। तो अब हमें क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग एक फिबोनाची और ड्रॉ करके देख लेता हूं मैं, वहां से लेवल क्या आ रहा है। वहां से अगर लेवल की बात करें तो एक लेवल जो आ रहा है 730 के आसपास, एक आ रहा है 558 और 700 का हमने निकाल कर रखा है। तो बालकृष्णा इंडस्ट्रीज में आप क्या कर सकते हैं, हर 50-50 रुपए की गिरावट पर 5-5 शेयर ऐड कर सकते हैं, और कम से कम 3 साल के ऊपर के लिए रखिएगा, आपको बालकृष्णा इंडस्ट्रीज मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दे सकती है। फिर भी आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसके बिजनेस को अच्छे तरीके से देखिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग अगर टायर इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करना है तो ये कंपनी आपके लिए बेस्ट होगी। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।